नमस्कार, मैं प्रवीण सिटी सिटी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। और आइए खबरों बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सरायकेला के आरआईटी में पति की प्रताड़ना से तंग आकर पत्नी ने की आत्महत्या, पुलिस जुटी जांच में। जमशेदपुर स्थित आई हॉस्पिटल के समीप मची अफरा तफरी, नशे की हालत में चोर ने लोगों पर फेंके पत्थर। जमशेदपुर के कोऑपरेटिव कॉलेज में छात्र संघ के द्वारा बिचौलियों से बचाव के लिए चलाया गया पोस्टर अभियान। और 12 जून को मनाया गया विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, जमशेदपुर में कई कार्यक्रम आयोजित। और अब खबरें विस्तार से। खबरों की शुरुआत करते हैं जमशेदपुर। जमशेदपुर स्थित आई हॉस्पिटल के समीप उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब नशे की हालत में एक चोर ने आम लोगों पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। घटना मंगलवार दोपहर की है। साक्षी आई हॉस्पिटल के समीप नशे की हालत में एक चोर ने अचानक पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। बाद में स्थानीय लोगों ने नशाखोर चोर को पकड़कर धुनाई करने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक सिपाही बीके दास ने घटनास्थल पर पहुंचकर चोर की जान बचाई। इधर बीके दास ने बताया कि गिरफ्त में आया चोर फुटपाती सीम दुकान से सीम की चोरी कर रहा था, जिसे रंगे हाथों पकड़ लिया गया। इसके बाद चोर ने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। पी के जो है ना टोल रहता है ये लोग दिन भर, फिर देखा पब्लिक लोग सोलह जी था मारपीट कर रहा था, हम अपना पोर्ट छोड़ के उसको जाके हमने उसको बचाया, समझ गए। और थाना को बाद में हम सूचना दिए, फिर थाना अपना किया कि हम अपना पोस्ट में आ गए। क्या चोरी किया था? चोरी उरी कुछ नहीं, लोग करता है, सब पी के रहता है ना, कुछ भी कर सकता है ये लोग, समझ गए ना, ये लोग कुछ भी कर सकता है। हम अपना पोस्ट आज भी कुछ चोरी घटना किया है लगता है, कहीं क्या होगा पी के देखते हैं कितना पिया हुआ था। पब्लिक लोग सोलह रहा, हम जाके उसको बचाया, हमने अपना पोस्ट छोड़ के हम गए उसको बचाने, थाना को सूचना दिया हमने। हमने ट्रैफिक थाना को कुछ बदमाशी किया होगा इसी वजह से, और क्या ऐसे हाँ पत्थर चला था मेरे सामने, आपके सामने कोई किसी सामने पत्थर चला रहा था। और सरायकेला जिले के आरआईटी थाना क्षेत्र स्थित कुलुप टांगा बस्ती में एक 30 वर्षीय विवाहित महिला ने पति की प्रताड़ना से तंग आकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। 30 वर्षीय मृतिका रीता देवी के पति विनोद रजक द्वारा लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था, जबकि मंगलवार सुबह भी दोनों पति पत्नी के बीच मारपीट हुई थी। इधर इस घटना के बाद रीता देवी ने अपने कमरे में फंदे के सहारे पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। बाद में मौके पर पहुंचे इनके ससुर अशोक रजक ने दरवाजा तोड़कर शव को फंदे से उतारा और स्थानीय आरआईटी पुलिस को सूचित किया। मी अभी भी में रोज झगड़ा दारू पी के कर रही है, ड्यूटी जा रहे हैं, ये समझे आज करीब 20-25 दिन हो गया है। बीवी समझाता है तो उसे मारपीट होता है, हम लोग भी रोज समझाते हैं ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, मानते हो खाने पीने देने से नहीं ना होता है, मियाँ भी आज जोर से रहो शांति से, लेकिन रह नहीं रहा है। और बस एक सेकंड हम लोग इधर उधर हुए, दारू पीने भाग गया, अभी भी देखिए पिया हुआ है। थाना में जा करके हम लोग को खबर दिया कि हमारे बहू ने ये पंखा के सीलिंग पंखा में लटकी हुई देखे हम लोग, तो इसका हम लोग जो उचित कार्रवाई होता है वो कार्रवाई करने के लिए हम लोग आए हुए हैं। क्या कारण क्या पता चला? कारण अभी कुछ पता नहीं चला, आपस में कुछ घरेलू झगड़ा पति पत्नी में बताया जा रहा है। और जमशेदपुर के कॉलेजों में नामांकन के वक्त अक्सर छात्र बिचौलियों के शिकार हो जाते हैं, ऐसे में कोऑपरेटिव कॉलेज छात्र संघ के द्वारा छात्रों को विभिन्न माध्यमों से जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। मंगलवार को इनके द्वारा पोस्टर अभियान चलाया गया। इससे पूर्व इनके द्वारा सोशल साइट्स के माध्यम से भी छात्रों को जागरूक करने का प्रयास किया गया था। मंगलवार को इनके द्वारा पूरे कॉलेज परिसर में पोस्टर लगाया गया। पोस्टर के माध्यम से छात्रों को ये दर्शाया गया कि किस तरह से बिचौलिए छात्रों से नामांकन के नाम पर पैसे की ठगी करते हैं। छात्र संघ के अध्यक्ष ने कहा कि प्रत्येक छात्र को ये जानना जरूरी है कि कॉलेज में छात्र अपना नामांकन स्वयं ही करवा सकते हैं और उसके लिए उन्हें किसी की जरूरत नहीं होती है, छात्र सीधे काउंटर पर जाकर अपना नामांकन करवा सकते हैं। सतर्कता अभियान हम लोग चला रहे हैं। सतर्कता अभियान के तहत फर्स्ट फेज में हम लोग ने फेसबुक लाइव अन्य माध्यम से छात्रों को सतर्क किया था और आज सेकंड फेज में हम लोग पोस्टर्स लगा रहे हैं। पोस्टर्स लगा करके वो छात्र जो कॉलेज में एडमिशन के दरमियान आएंगे उनको सतर्क किया जा रहा है कि आप सबको डायरेक्ट काउंटर जाकर के अपना एडमिशन कराना है, किसी भी
लोगों के हाथों में नहीं आना। अगर कोई भी आप तक पहुंचता संपर्क करता है कि भाई मैं आपका एडमिशन करा दूंगा, तो भी आप काउंटर तक जाइए और अपना एडमिशन कराइए। अक्सर ये कंप्लेंट्स आई है कि बहुत जिनका एडमिशन के लिए पैसा देने के बाद उनका एडमिशन नहीं हुआ, जिस कारण ये अभियान चलाया जा रहा है। 12 जून यानी विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, जी हाँ, इस मौके पर बाल श्रम रोकथाम एवं पुनर्वास हेतु स्टेक होल्डर्स की बैठक जमशेदपुर के सुनारी स्थित आदर्श सेवा संस्थान में आयोजित की गई, जिसमें बाल श्रम में लगे बच्चों के अभिभावकों को जागरूक किया गया। इस दौरान श्रम विभाग, चाइल्ड लाइन तथा बाल मजदूरी पर कार्य कर रहे आदर्श सेवा संस्थान के कई पदाधिकारी मौजूद थे। साथ ही बड़ी संख्या में यहाँ बाल मजदूरी से जुड़े बच्चे तथा उनके अभिभावक भी मौजूद थे। वहीं वक्ताओं ने बाल मजदूरी की रोकथाम तथा इसके प्रति जागरूक रहने का निर्देश दिया। देश में पूर्ण रूप से बाल मजदूरी पर रोक है, लेकिन कई इलाकों में बाल मजदूरी चरम सीमा पर है। ऐसे में ये बच्चे शिक्षा से वंचित हो जाते हैं, जिससे उनका भविष्य अंधकार में चला जाता है। इन सभी बिंदुओं से यहाँ सभी को अवगत कराया गया तथा इसे रोकने में मदद की अपील भी की गई। मजदूरी निषेध दिवस है और इस उपलक्ष्य में यहाँ पे लेबर डिपार्टमेंट और चाइल्ड लाइन और आदर्श सेवा संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में एक जागरूकता मतलब स्टेक होल्डर मीटिंग हम लोग ऑर्गेनाइज किए हैं, जिसमें हमारे स्लम बस्तियों में जो बाल मजदूर बच्चे हैं, जो इस समय बाल मजदूरी करते हैं, वो बच्चे उनके पेरेंट्स आएंगे और जितने भी स्टेक होल्डर है बाल मजदूर से जुड़ा हुआ, वो सभी लोग आएंगे और आज हम लोग उनके समस्याओं को लेकर के बातचीत करेंगे, पेरेंट्स को थोड़ा जागरूक भी करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो बाल मजदूर बच्चे हैं उनको हम लोग मेन स्ट्रीमिंग कर सके। तो सिस्टम में जितने भी स्टेक होल्डर है उनका किसकी क्या भूमिका होगी इसमें, उस पर हम लोग बातचीत करेंगे और आगे की रणनीति तय करेंगे। एक तो है कि लेबर डिपार्टमेंट आ रहा है, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर, चाइल्ड वेलफेयर कमिटी, चाइल्ड लाइन और बस यही सारे विभाग के लोग आ रहे हैं। और जमशेदपुर में इन दिनों कई इलाकों में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। बिरसा नगर क्षेत्र में करोड़ों की योजना से जलापूर्ति योजना तो बनी, मगर उस जलापूर्ति योजना की हकीकत से आज हम आपको रूबरू कराएंगे। जी हां, क्षेत्र की जनता जो पानी के लिए दूर दराज इलाकों में जाने को मजबूर है। जी हाँ, यह जो नजारा आप देख रहे हैं वह लौह नगरी जमशेदपुर के बिरसा नगर क्षेत्र की है, जहां करोड़ों की लागत से मोहरदा जलापूर्ति योजना तो बनी, मगर इसमें घोर अनियमितता पाई गई। बिरसा नगर मोहरदा जलापूर्ति योजना की पानी की सप्लाई 2 दिन बंद होती है तो 1 दिन पानी की सप्लाई की जाती है। इतना ही नहीं, कभी कभी तो 4-5 दिनों के लिए जलापूर्ति योजना में काम के नाम पर पानी की सप्लाई बंद कर दी जाती है, और सप्लाई होने के बावजूद पानी का जो हाल है वह क्षेत्र की जनता ही आपको बताएगी कि आप पीने लायक है कि नहीं। जब करोड़ों की लागत से बने राज्य के मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र का यह हाल है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार के गांव गांव स्वच्छ पानी देने का दावा कहां तक सच साबित होगा। पानी की सप्लाई बिरसा नगर में चरमजर है, उसमें कोई ध्यान सरकार तरफ से नहीं दी जा रही है। खाली लोगों खाली बोला जा रहा है कि 2 दिन बंद, वो बीच में फिर बंद किए थे पानी कि हम कुछ काम चले, कोई काम हुई नहीं। अब पानी कोई साफ नहीं, गंदी नाली के पानी पूरा जमा हुआ खाई का पानी है, इसमें लोग पिए। पानी की समस्या ऐसी होनी चाहिए कि जल्द से जल्द इसका निपटारा होना चाहिए। पानी तो कभी देता है कभी बंद रहता है, पीने का पानी तो है ये नहीं, पीने का पानी तो हम लोग बाल्टी से लाते हैं। कपड़ा लत्ता खिंचाता है, नहाना धोना होता है सब। पानी तो ठीक से नहीं मिलते हैं, जब मर्जी तब बंद करते हैं, जब मर्जी तब पानी खोलते हैं। साफ पानी नहीं है, पीने लायक पानी नहीं है, पानी यूज नहीं करते हम। वो पानी हम लोग एक्वागार्ड में पानी करते हैं, नहीं तो इसको पानी लाना पड़ता बाजार से। जमशेदपुर पुलिस ने कई आपराधिक मामले एवं दंगाई केस के अभियुक्त वीनू खान को पाड़ी चौक से गिरफ्तार किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए हेडक्वार्टर 1 डीएसपी केएन मिश्रा ने सिटी न्यूज को बताया, वीनू खान मानगो दंगा कांड का नामजद अभियुक्त के अलावे कई आपराधिक कांडों का फरार अभियुक्त है। पुलिस को काफी दिनों से इसकी तलाश थी। मानगो पुलिस ने फरार वीनू खान को पाड़ी चौक से गिरफ्तार किया है। पिछले साल जो 20 मई को घटना हुई थी, जिसमें मानगो थाना पर आक्रमण किया गया था और पुलिस बल को पथराव किया गया था, उस कांड में ये नामजद अभियुक्त है और पुलिस को इसकी बहुत दिनों से तलाश थी और उन्हीं कांडों में ये वांछित है, इसलिए इनकी गिरफ्तारी की गई है। हाँ, पहले भी ये जेल जा चुके हैं और कई कांडों में ये पहले से सम्मिलित रहे हैं, इनकी संलिप्तता पाई गई है। काफी दिन से खोजाई चल रही है।
काफी दिन से पुलिस इसको खोज रही थी। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। थर्टी टू स्माइल स्टेशन लेजर डेंटल क्लिनिक, दांतों की समस्या से मिलेगी मुक्ति विदाउट टेंशन, क्योंकि आपके शहर में अब है 32 स्माइल स्टेशन। दांतों की सफाई हो या फिर दांतों को हो चमकाना या बिना दर्द के दांतों को हो निकलवाना, केवल 32 स्माइल स्टेशन ही जाना। 32 स्माइल स्टेशन, अ मल्टी स्पेशलिटी लेजर डेंटल क्लिनिक सिचुएटेड एट दी हार्ट ऑफ सिटी एट भालूभासा ब्रिज जमशेदपुर, जहां दांतों की किसी भी समस्या का है समाधान 32 स्माइल स्टेशन है उसका नाम। 32 स्माइल स्टेशन, जहां फिक्स दांत लगाना, दांतों में चांदी भरना, सड़े हुए दांतों का जड़ तक इलाज यानी RCT अत्याधुनिक मशीन द्वारा किया जाता है, ओरल कैंसर की जांच के साथ ही टूटे जबड़े एवं ट्यूमर की सर्जरी भी आधुनिक तकनीक से की जाती है। दांतों की सड़न, मुंह से आती बदबू से मिलेगा छुटकारा। डेंटल इम्प्लांट करना हो या दांतों को क्लिप लगाकर ठीक करना, क्लिप विशेषज्ञ डॉक्टर पूर्णिमा प्रतिदिन उपलब्ध हैं। टेढ़े मेढ़े दांतों से ना हो परेशान, 32 स्माइल स्टेशन देता है स्वस्थ सुंदर मुस्कान। दांतों की किसी भी समस्या के लिए आज ही मिले डॉक्टर VK सिंहदेव और डॉक्टर पूर्णिमा से। कदमा में है हमारी ब्रांच 32 स्माइल स्टेशन, KL Tower, ऑपोजिट टू ऑटो स्टैंड, मेन रोड कदमा। आर मेन ब्रांच 32 स्माइल स्टेशन, जमुटार, भालूभासा, जमशेदपुर। नमस्कार। ईश्वर की बनाई इस दुनिया में जहाँ कुछ लोगों के पास अपार समृद्धि और धन दौलत है, तो वहीं कुछ के पास सिर्फ दुख और निराशा। लेकिन इन दुखों के समाधान के लिए ईश्वर ने कुछ दिव्य पुरुषों को हमारे बीच भेजा है, जो हर तरह की समस्याओं का 100% समाधान करते हैं, जैसे नौकरी, कारोबार, गृह कलेश, विदेश यात्रा, प्रेम विवाह, बंदिश बाधा, प्रॉपर्टी, रूठे को मनाना, वशीकरण, मुठकरणी और चौकी की शक्तियों के स्पेशलिस्ट। तो आइए जानते हैं कुछ लोगों के अनुभव। तमाम कोशिशों के बावजूद मैं अपना बिजनेस सेट नहीं कर पा रहा था, लेकिन आज मेरा बिजनेस आसमान छू रहा है। जिस लड़के से मैं प्यार करती थी, सब लोग उसके खिलाफ थे, मगर दोनों परिवारों ने हमारे प्यार को खुशी खुशी मंजूर कर दिया। शादी के 5 साल बाद भी हम दोनों पति पत्नी में हमेशा झगड़ा होता था, और आज हम दोनों पति पत्नी बहुत खुश हैं। अच्छी क्वालिफिकेशन के बावजूद मुझे नौकरी नहीं मिल पा रही। आज मैं दुबई में जॉब करता हूँ और अच्छा कमाता हूँ। तो देखा आपने, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो तुरंत मिले और लाभ उठाएं। गोलछा साड़ी सेंटर, गोलछा साड़ी सेंटर, एक्सक्लूसिव शोरूम ऑफ साड़ीज, लहंगा एंड सूट, जहां है साड़ियों का विशाल भंडार, सभी प्रकार की साड़ियां, वे भी होलसेल रेट में। गोलछा साड़ी सेंटर, जहां है एक से बढ़कर एक डिजाइनों के बनारसी, तांत, सिल्क, फैंसी साड़ी, लहंगा साड़ी। शादी की साड़ी खरीदनी हो तो गोलछा साड़ी सेंटर में अवश्य आए। गोलछा साड़ी सेंटर सिर्फ साड़ी ही नहीं, लहंगा की भी है विशाल रेंज। लहंगा पहनकर दुल्हन लगेंगी और भी खूबसूरत। इसके साथ साथ अनस्टिच सूट, सूट की है कई नई रेंज और वैरायटी भी। दूल्हे के परिवार के लिए शर्ट पैंट के गिफ्ट बैग भी उपलब्ध है। बेडशीट, कर्टेन, सभी नामी ब्रांड के मिलते हैं गोलछा साड़ी सेंटर में। हम बनाते हैं आपको खास। हमारा पता, गोलछा साड़ी सेंटर, नगर पालिका बाजार, जुगसलाई, जमशेदपुर। जमशेदपुर में भारत के विख्यात ज्योतिषाचार्य श्री महादेव जी, जिनका कई वर्षों का ज्योतिष में अनुभव है, जो कृष्णमूर्ति पद्धति से आपका जन्म कुंडली देखते हैं, आपको सभी प्रकार की समस्याओं से छुटकारा दिलाते हैं 100% गारंटी के साथ। मैं महादेव जी बोल रहा है, कृष्णमूर्ति पद्धति से ए विचार करते हैं। ए विचार संपूर्ण विज्ञान व्यक्ति है। हमारा ए विचार से मैरिज, एडुकेशन, बिजनेस, डिसीज, मामला मुकदमा, कोई भी प्रॉब्लम
आपको 100% गारंटी के साथ हम सॉल्यूशन करते हैं। हमें अनेक जबसली का चाहिए गेछिलाम वहां किसी प्रॉब्लम नहीं है किंतु कोनो सफलता पाई नहीं। जब থেকে মাদক বাবুর কাছে গেছি তবে থেকে আমার অনেক সফলতা লাভ হয়েছে। আমার মেয়ে দিয়ে ছেলের চাকরি সবকিছু তো অনেক ঠিকঠাক উনি যেভাবে প্রেসক্রাইব করেছেন সেভাবে সফল হয়েছে। मेरे बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता था, श्री महादेव जी के परामर्श के बाद आज मेरा बच्चा अच्छे नंबरों से पास हो रहा है। महादेव जी से मिले और सभी परेशानियों से निजात पाए। मिलने के लिए संपर्क करें जेमको आदित्यपुर साक्षी सोनारी मानगो गोलमुरी मोबाइल नंबर 9874826809430 9709052086। जब आपके स्वास्थ्य को मिलती है आयुर्वेद की शक्ति, आपके जीवन में असाध्य रोग की समस्या बिल्कुल नहीं ठहरती। पिछले 30 वर्षों से शुद्ध एवं प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार असरदार औषधियों के साथ आपके स्वस्थ व निरोग जीवन का एक भरोसेमंद प्रतीक जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। जी हाँ, पिछले 30 वर्षों से लगातार बंगाल उड़ीसा और झारखंड के असाध्य रोगों से पीड़ित हजारों मरीजों का बिल्कुल सफल उपचार, कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित आयुर्वेद बृहस्पति डॉक्टर एस के तिवारी की सबसे कामयाब तकनीक जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। शारीरिक दुर्बलता हो या नपुंसकता, यौन जीवन से असंतुष्ट या काम सुख में कोई भी अड़चन, स्वप्न दोष या फिर शीघ्र पतन, आपकी सभी यौन समस्याओं का अंत बिल्कुल जड़ सहित जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। मासिक गड़बड़ी, श्वेत प्रदर, रक्त दोष या ल्यूकोरिया, शुगर, वात रोग, मोटापा या फाइलेरिया, हर मुश्किल और असाध्य रोग का विश्वसनीय इलाज एकदम सटीक जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। निसंतान दंपतियों की चाहत अपने रहे अधूरी, संतान प्राप्ति की मनोकामना हो जाए पूरी। आयुर्वेद शिरोमणि डॉक्टर एस के तिवारी की सफल चिकित्सा एकदम आधुनिक। पिछले 30 वर्षों से नंबर 1 आयुर्वेदिक दवाखाना जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। स्वस्थ तन मन निरोग जीवन। होटल अंबर के बगल में, न्यू कालीमाटी रोड, साक्षी, जमशेदपुर। फोन 0657-2438616, 9835512122, 9431113166। प्रतिमाह 8 से 20 तारीख तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जमशेदपुर के पार्टी काली मंदिर के पास 40 वर्षीय धीरेन मुर्मू सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पार्डी निवासी धीरेन मुर्मू अपने घर से सुबह काम के लिए निकले ही थे कि पार्डी काली मंदिर के समीप बड़े वाहन की चपेट में आने से वे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें पीसीआर वैन की मदद से एमजीएम अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। घायल धीरेन्द्र मुर्मू के पैर में गंभीर रूप से चोट आई है। वहीं घटना के संबंध में परिजनों ने मीडिया को जानकारी दी। कहाँ जा रहा था? मिस्त्री। अच्छा, कहाँ जा? अच्छा, साइकिल में था, नहीं पता में था। अच्छा, वही अगर बगल में हम लोग तो वही तो पट्टी के आदमी लोग खबर कर दी। और सरायकेला जिले के आदित्यपुर नगर निगम अब पूरे निगम क्षेत्र को साफ सुथरा और स्वच्छ बनाने की कवायद में चूक गया है। जी हां, निगम क्षेत्र को अब गंदा करने वालों की खैर नहीं। नगर निगम द्वारा अपने आसपास कचरा फेंकने और गंदगी फैलाने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया गया है। इसके तहत अब नगर निगम द्वारा कचरा फैलाने वाले लोगों को चिन्हित कर उन पर सीधा मामला दर्ज कराया जाएगा। इसके साथ ही नगर निगम ने डोर टू डोर कचरा उठाव प्रक्रिया को और मजबूत बनाने की कवायद शुरू कर दी है। इसके तहत अब पूरे नगर निगम क्षेत्र के सभी 35 वार्डों से रोजाना डोर टू डोर कचरा का उठाव किया जाएगा। साथ ही अब लोगों को अपने अपने घरों में गीला कचरा और सूखा कचरा रखने के लिए अलग अलग डस्टबिन का प्रयोग करना होगा। संपूर्ण नगर निगम क्षेत्र को 7 जोन में बांटकर साफ सफाई का कार्य भी प्रारंभ कर दिया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी दीपक साहे ने कहा कि घर घर से कचरा उठाव प्रक्रिया को और बेहतर किया जा रहा है। साथ ही कचरे के उठाव के साथ निष्पादन की भी प्रक्रिया बेहतर बनाई जा रही है। नगर निगम क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों से उनके घरों के आकार के मुताबिक कचरा उठाव के शुल्क का भी निर्धारण किया गया है। हर घर से हम लोग कचरा उठा रहे हैं तो टोटल हम लोग कवर करेंगे, 100% कवर करेंगे। और जो लोग नहीं दे रहे हैं या कोई बाहर फेंक रहे हैं, बहुत ऐसे होते हैं जो नहीं दे रहे हैं और वो बाहर फेंकते रहे, वैसी स्थिति में उन लोगों पर सख्ती से कार्रवाई होगी, फाइन किया जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी उनके ऊपर। क्योंकि ये
बेसिक ये जो भी हम लोग काम कर रहे हैं ये आदित्यपुर को स्वच्छ रखने के लिए कर रहे हैं। इधर पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका प्रखंड में सामाजिक अंकेक्षण प्रखंड स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन हुआ, जिसमें जिले की टीम ने सुनवाई की और इस जन सुनवाई में कई अनियमितता भी सामने आई तो कहीं ठीक ठाक सब कुछ रहा। इस जन सुनवाई में पंचायत जनप्रतिनिधि प्रखंड के पदाधिकारी समेत ग्राम सेवक और ग्रामीण उपस्थित थे। बताया जा रहा है कि प्रखंड लेवल में जिस मामले का समाधान नहीं होगा उसे जिला स्तर में रखा जाएगा और समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। वहीं मुखियाओं ने कहा कि सोशल ऑडिट सभी विभाग का होना चाहिए, साथ ही साथ विधायक और सांसद का भी होना चाहिए, ना कि केवल मुखियाओं का। अभी पंचायत में जो भी मनरेगा का जो भी सोशल ऑडिट हुआ, सोशल ऑडिट सभी गांव में अच्छा हुआ, सभी पंचायत में अच्छा हुआ। वहाँ के ग्राम प्रधान, वहाँ के वार्ड मेंबर, वहाँ के पंचायत समिति सदस्य सभी ने सपोर्ट किया और जो भी बात वहाँ सुधार की जरूरत था वो बात आया और सभी ने सुधार किया। लेकिन हम लोग का पंचायत समिति, पंचायत के मुखिया, हमारे वार्ड सदस्य के द्वारा एक मांग है, मुखिया की एक मांग है कि सोशल ऑडिट सभी विभाग को होना चाहिए, कि बल्कि मनरेगा और 14 फाइनेंस का ना हो। यहाँ विधायक के फंड भी हो रहा, यहाँ संसद फंड भी हो रहा, यहाँ PWD से काम हो रहा, भूमि संरक्षण से काम हो रहा, RIO विभाग से काम हो रहा, सिंचाई विभाग से काम हो रहा, सभी विभाग को ऑडिट होना चाहिए। अन्यथा हम लोग समझेंगे ये सरासर मुखिया लोग के ही ऑडिट हो, पंचायत समिति के ही ऑडिट हो, मनरेगा का ऑडिट हो, सरासर गलत है। झामुमो जिला तथा केंद्रीय कमेटी की एक अहम बैठक मंगलवार को जमशेदपुर में संपन्न हुई। बैठक में पार्टी द्वारा स्कूल विलय प्रक्रिया के विरोध में चलाए जाने वाले आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई, साथ ही इस दौरान कई लोगों ने पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण की। इस दौरान सभी पदाधिकारियों ने नए सदस्यों को माला पहनाकर पार्टी में उनका स्वागत किया। झामुमो जिला अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी के सिद्धांतों के प्रति आस्था रखते हुए सभी ने पार्टी का दामन थामा है। वहीं एक बैठक भी रखी गई जिसमें आगामी दिनों में स्कूल विलय प्रक्रिया के खिलाफ चलाए जाने वाले आंदोलन की रूपरेखा भी तैयार की गई। जिला अध्यक्ष ने कहा कि पूर्व में ही पार्टी ने यह निर्धारित किया था कि गर्मी की छुट्टी समाप्त होने के बाद इस आंदोलन को तेज किया जाएगा और इसी के तहत बैठक की गई है। जुलाई माह में इसके खिलाफ विशाल प्रदर्शन किया जाएगा। मन्नु माथुर जी का नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता विभिन्न पार्टी से जो हमारी झारखंड मुक्ति मोर्चा में सम्मिलित हुए, जो जिला कमेटी माला पहना करके स्वागत कि विगत दिन हम लोग घोषणा किए थे कि हमारे पूर्वी सिंहभूम जिले में करीब 450 स्कूल विलय होने जा रहा है और हम लोग बोले थे समर वेकेशन के बाद हम लोग प्रदर्शन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, पूरे गांव वालों के साथ करेंगे, जो सरकार के गलत नीति है, जिस पर हम लोग आज यह निर्णय लेंगे कि ये स्कूल विलय का मामला को लेकर के हम लोग जुलाई का फर्स्ट वीक में हम लोग निर्णय का निर्णय किया है, लेकिन डेट भी हम लोग आज निर्धारित कर लेंगे। जुलाई का फर्स्ट वीक में जिला में एक विशाल धरना प्रदर्शन कर स्कूल विलय का विरोध करेंगे। और सरायकेला खरसावा जिले के सरायकेला पुलिस ने अवैध रूप से स्कॉर्पियो में लाद कर लेकर जा रहे 3 मवेशियों को मुक्त कराया। बताया जा रहा है कि गुप्त सूचना के आधार पर सरायकेला टाटा मुख्य मार्ग पर पुलिस ने संदिग्ध रूप से एक स्कॉर्पियो गाड़ी को जब्त किया। वहीं शक होने पर पुलिस द्वारा उसे जांच के लिए रुकने का इशारा किया गया, लेकिन पुलिस को देखकर स्कॉर्पियो चालक जंगल की ओर भागने लगा। पुलिस द्वारा पीछा करने के क्रम में स्कॉर्पियो चालक गाड़ी की चाबी निकालकर अंधेरे का फायदा उठाकर जंगल की ओर भागने में सफल रहा। पुलिस द्वारा स्थानीय लोगों के सहयोग से गाड़ी को थाने लाया गया और गाड़ी से मवेशियों को बाहर निकाला गया। बता दें पुलिस द्वारा मामले की तफ्तीश की जा रही है। पुलिस ने मामले से जुड़े तस्करों को जल्द गिरफ्तार करने का दावा किया है। बहुत तेजी से चली आ रही थी, हम लोग संकेत किए रोकने पर, उसके बाद द्वार उसकी गति तेज हो गई और वो टाटा की ओर भागने लगा। उसके बाद PCR से उसका पीछा गया, हम लोग पीछा किए पुल से, पहले से ही हमारा PCR बहन जो है पेट्रोलिंग पार्टी चड्डी मोड़ के पास खड़ी थी, वो पुलिस देकर फिर बैक हो गई। फिर हम लोग को इधर फिर देखे कि पीछे भी पुलिस है, तो वो बचने के लिए चड्डी मोड़ से बाएं साइड जो है वो जो सीनी चले जंगल का रास्ता है उसी रास्ते में जाने के बाद वो पुलिस का ज़्यादा दबाव देखकर वो जो है सो गाड़ी छोड़कर गाड़ी का चाबी लेकर जंगल में आ गया। जमशेदपुर के जुक्सला स्टेशन रोड स्थित श्री महावीर मंदिर बाबा कुटिया में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जहां पूरे जुक्सला क्षेत्र से स्थानीय लोग जुटे थे। प्रत्येक वर्ष अधिक मास के अंतिम मंगलवार को जुक्सला स्थित श्री महावीर मंदिर बाबा कुटिया में विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है। इस दौरान रविगिरी जी महाराज के दिशा निर्देश पर स्थानीय लोग एकजुट होकर इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। बता दें
बाबा कुटिया में प्रत्येक वर्ष सावन माह के अंतिम सोमवार को भी विशाल भंडारे का आयोजन मंदिर कमेटी के द्वारा किया जाता है। वहीं आयोजककर्ता लोचन मंगोतिया के अनुसार प्रत्येक वर्ष अधिक मास के अंतिम मंगलवार को विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है, जहां हजारों की संख्या में लोग एकजुट होते हैं और बाबा बालाजी के प्रसाद को ग्रहण करते हैं। महावीर मंदिर में बालाजी महाराज की असीम अनुकंपा से प्रभु श्री राम के भक्त बालाजी का प्रसाद आज किया गया है। ये जुगसलाई स्थित महावीर मंदिर में प्रसाद का आयोजन किया गया। एक बार फिर यहाँ लेंगे छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए हमारे साथ। तंत्र मंत्र के सम्राट बाबा मिर्जा जी भारती, 10 घंटों में लाभ गारंटी के साथ। मेरा गारमेंट्स का बिजनेस था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे धंधे में दिन बे दिन घाटा हो रहा था। दुकान का भाड़ा, बैंक लोन, ये सारी परेशानियां दिन बे दिन बढ़ती जा रही थी। तभी एक दिन अचानक मिर्जा जी भारती का विज्ञापन देखा। सोचा एक बार मिलने में क्या हर्ज है, इनसे मिलने के बाद मानो जैसे मेरी तकदीर ही बदल गई। आज मेरी अपनी खुद की 4 दुकान है। हार्ट अटैक की वजह से उनका देहांत हो गया, इनके इंश्योरेंस कंपनी के पैसे भी नहीं मिले, घर में पैसों की बहुत तंगी होने लगी। तभी मुझे मेरी सहेली ने मिर्जा जी भारती इनका नंबर दिया और कुछ ही घंटों के बाद इंश्योरेंस कंपनी का आदमी चेक लेके आ गया। मेरे बेटे की अच्छी नौकरी लग गई और मेरी बेटी को बड़े बड़े घर से रिश्ते आने लगे। मैं जिससे प्यार करती थी उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन क्या करे, हमारी शादी के लिए ना मेरे घर वाले राजी थे ना उनके। तभी मेरे दोस्त ने मिर्जा जी भारती, इनसे जाके मिलने को कहा। उनकी रजामंदी से हमारे घर वालों ने हमारी शादी बड़े ही धूमधाम से करवा दी। खुला चैलेंज, मेरे काम को जो काट दे उसे नगद इनाम, नौकरी, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, संतान प्राप्ति, विदेश यात्रा में रुकावट, बीमारी में दवा न लगना, मुठकरणी व वशीकरण स्पेशलिस्ट, एक बार अवश्य मिले, चाहे जैसा भी काम हो जाएगा। आप भी अवश्य मिले मिर्जा जी भारती, क्योंकि दुआ भी तकदीर बदल सकती। ज्योतिषाचार्य, हस्तरेखा विशेषज्ञ, वास्तु शास्त्र परामर्श करती डॉक्टर उषा सोनकर का कहना है, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। यदि असफलताओं से है हताश, नौकरी की है तलाश, कोर्ट कचहरी से है परेशान, ग्रहों की दशा राहु केतु की खींचतान, तो मिले ज्योतिषाचार्य डॉक्टर उषा सोनकर से। संतान प्राप्ति, घरेलू कलह, प्रेम विवाह, विदेश यात्रा, पढ़ाई में बाधा, तरक्की, तबादला, काल सर्प योग, मांगलिक दोष, शनि दोष, ग्रह दोष, पितृ दोष, वास्तु दोष से मुक्ति का मार्ग ज्योतिष विचार केंद्र, ज्योतिषाचार्य डॉक्टर उषा सोनकर, 12 MP नगीना मेन रोड, आदित्यपुर, इनसाइड बैंक ऑफ बड़ौदा। कॉन्टैक्ट 9031302795 एंड 7992374619। गोलचा रेडीमेड सेंटर पेश करते हैं हमारा नया शोरूम बाजार गोलचा, नगर पालिका बाजार नियर जुगसलाई गुरुद्वारा। गोलचा रेडीमेड सेंटर, वाजिब दाम में मिले सामान अच्छा। जी हाँ, यही तो है गोलचा रेडीमेड सेंटर। गोलचा रेडीमेड सेंटर पेश करते हैं अ यूनिक एसी गारमेंट मॉल इन हार्ट ऑफ सिटी। गोलचा रेडीमेड सेंटर, जहाँ आधुनिक फैशन और डिजाइन की हर वैरायटी उपलब्ध है आपके पूरे परिवार के लिए। गोलचा रेडीमेड सेंटर, अ मल्टी ब्रांड गारमेंट शोरूम, जहां आपको मिलेगा लेडीज के लिए कुर्ती, लहंगा चुन्नी, फैंसी और कामदार रेडीमेड सूट एवं सूट पीस, लेगिंग्स, जींस, टॉप, जेगिंस, ट्राउजर, टी शर्ट, शर्ट। गोलचा रेडीमेड सेंटर में मिलेगा आपको जेंट्स के लिए जींस, पैंट, ट्राउजर, शर्ट, टी शर्ट, सूट, ब्लेजर और साथ साथ दूल्हे राजा की शेरवानी। इतना ही नहीं, अगर अपने घर को देना है नया लुक और सजाना, गोलचा रेडीमेड सेंटर जरूर आना। बाजार गोलचा, करे आपके सपनों को साकार, फिर देर काहे की सरकार।
आज ही पधारें बाजार गोलचा। हमारा पता पहला और दूसरा तल्ला नगर पालिका बाजार नियर जुगसलाई गुरुद्वारा जमशेदपुर 0657-229-0093। Idol Coaching Center is the best institute of Jamshedpur. Idol Coaching Center provides courses IITG, Medical, Foundation. Parents, kripya dhyan dein. Jo chhatra standard 7, 8, 9, 10 ya phir 11 mein fail ho gaye hain aur aage ki padhai puri nahi kar pa rahe hain aur unka saal bekar ho raha hai, to Idol Coaching Center उनको आगे की पढ़ाई कराएगा साल बेकार किए बिना, चाहे वो किसी भी बोर्ड से करना चाहते हो जैसे CBSE, JAC, NIOS. Courses offered by Idol Coaching Center, IITG, Foundation. Tuition for ISC and ICOM students. Preparation for NEET, PMT, Medical. Polytechnic Entrance. Tuition for BSc and BCOM students. We also assist for admission for regular and private registration. CBSE, ICSE, JAC, NWAC and NIOS. Please come, hurry up. Admission going on. Contact Idol Coaching Center, 2C Landmark Tower, Thakurbari Road, Ambagan, Sakchi, Jamshedpur. Shiksha, Naukri, Vyapar ya Gharelu Samasyaen. अब है हर समस्या का समाधान प्रसिद्ध हस्तरेखा और वास्तु शास्त्र के ज्ञाता एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर तपन रॉय के पास। कई पुरस्कारों से सम्मानित एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर तपन रॉय, जिनके पास है 25 वर्षों का अनुभव। आपके जीवन की हर समस्या का समाधान करेंगे 100% गारंटी के साथ। 25 साल से अनुभव से हम ज्योतिष विद्या जमशेदपुर में कर रहे हैं और सारे लोग जमशेदपुर हो चाहे बाहर के भी हो, हमने 100% गारंटी के साथ फायदा देते हैं। तो आइए एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर तपन रॉय के पास और हो जाइए टेंशन फ्री। बहुत दिन से ही मिल रही हूँ, जब से मिल रही हूँ बहुत ही फायदा हुआ है और मैं फिजिकली एंड पर्सनली बहुत ही प्रॉब्लम से गुजर रही थी, लेकिन इनके पास आके मुझे बहुत रिलीफ हुआ है मेंटली फिजिकली हर तरफ से। पता आकाशदीप प्लाजा शॉप नंबर 145 ग्राउंड फ्लोर गोलमुरी जमशेदपुर। मिलने का समय शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। कॉन्टैक्ट नंबर 9934182433 और 9431301161। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सरायकेला जिले के आदित्यपुर स्थित दिंदली बस्ती में सैकड़ों वर्ष पुराने पारंपरिक चड़क पूजा का आयोजन हर्षोल्लास के साथ किया गया। श्री दिंदली शिव मंदिर सार्वजनिक पूजा कमेटी द्वारा हर वर्ष यहां जून महीने के दूसरे सप्ताह में पड़ने वाले सोमवार और मंगलवार को 2 दिवसीय चड़क पूजा और मेले का आयोजन वर्षों से किया जा रहा है। इस बार पूजा के आयोजन को लगभग 200 साल हो गए हैं। सन 1818 से निरंतर इस पूजा का आयोजन होता आ रहा है। इस पूजा के आयोजन के पीछे एक पौराणिक गाथा प्रचलित है। कहा जाता है कि दिंदली गांव में भीषण गर्मी के दौरान महामारी फैली थी, जहां लोग बीमार होकर अकाल मृत्यु को प्राप्त हो रहे थे, जिसके बाद यहां वर्षों पुराने शिव मंदिर में भक्तों द्वारा चड़क पूजा का आयोजन किया गया था और तभी यहां अच्छी बारिश के साथ पूरे गांव में हरियाली, खुशहाली और सुख समृद्धि आई। यहां निरंतर इस पूजा का आयोजन किया जाता है। जमशेदपुर के न्यू बाराद्वारी निवासी व समाज सेवी बिल्लू पाई ईद के मौके पर गरीब मुस्लिम लोगों के बीच बिष्टुपुर स्थित चुनाशाह बाबा मजार के पास वस्त्र का वितरण करेंगे। इस संबंध में जानकारी देते हुए
बिल्लू भाई ने बताया, पिछले 20 वर्षों से हर वर्ष छठ, ईद व अन्य पर्व त्योहारों पर अपने गुरुजी के आशीर्वाद से सामाजिक सेवा की भावना से वे वस्त्र और अन्य सामान गरीबों के बीच बांटते हैं। इस कार्य से उन्हें सुकून मिलता है। उन्होंने जानकारी दी, बुधवार को बिष्टुपुर स्थित चूना शाह बाबा मजार के समीप गरीब मुसलमान भाइयों और बहनों के बीच नए वस्त्र वितरण करने का कार्यक्रम रखा गया है। चूना शाह बाबा जी के यहाँ जाएंगे और वहाँ पर जितने भी उनके चाहने वाले उन लोग के अंदर कपड़े बांटते हैं उनको, और उनको बस आर्थिक सहयोग, वो भी खुशी मनाए, ईद मनाए, वो भी खुशियों के साथ उनको नए कपड़े बांटे जाते हैं। ये हम पर्सनली बांटते हैं अपने तरफ से। कितने लोगों से बांटते हैं? 40 से 50 आदमी के। ये हर साल करते हैं जी। ऐसा सोच कैसे आया आपका? सोच हमारे पीर साहब थे, पीर साहब की तस्वीर दिखाइए, ये हमारे पीर साहब हैं। इन्हीं के साथ रहते रहते, संगत करते करते हम लोग को पता चला कि पीर क्या होते हैं और पीरों के जो सामने बैठे हुए होते हैं वो कौन होते हैं। और जमशेदपुर के जीआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के न्यू बैडमिंटन हॉल इंडोर स्टेडियम में 2 दिवसीय नेशनल कराटे प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कई राज्यों से खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। झारखंड स्टेट कराटे डू एसोसिएशन द्वारा आयोजित होने वाले इस शिविर में देश के 12 प्रांतों से 200 खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। एसोसिएशन के सचिव एल नागेश्वर राव ने कहा कि शिविर में ऑस्ट्रेलिया से आए विश्व विख्यात कराटे प्रशिक्षक और पूर्व कराटे विश्व विजेता क्योशी ग्लेन स्टीफेंसन शिविर में भाग लेने वाले उदयमान कराटेकारों को हुनर सिखा रहे हैं। 2 दिवसीय शिविर के अंतिम दिन 13 जून को राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू कराटे प्रशिक्षकों को प्रमाण पत्र प्रदान करेंगी। ये नेशनल गोजरी कराटे ट्रेनिंग कैंप है। अच्छा। और इसके लिए हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया से वर्ल्ड चैंपियन मास्टर को बुलाए हैं, क्योंकि वो काफ़ी फेमस है और उनके माध्यम से जो बच्चे हैं, जो भी इंडिया से आज आए हैं, करीब 12 स्टेट इसमें पार्टिसिपेट किया है, उड़ीसा, बिहार, बंगाल, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, गुजरात, छत्तीसगढ़, ये सारा स्टेट इसमें भाग ले रही है। करीब 200 बच्चे आए हैं, तो इसमें हम लोग कराटे का बारीकी को बच्चे को सिखा रहे हैं और आशा है कि बच्चे जो नेशनल, स्टेट या इंटरनेशनल में पहुँच के क्वार्टर फाइनल तक वापस हो सकें। अब लगता है कि वापस नहीं बल्कि मेडल लेके आएंगे, क्योंकि इनका जो बारीकी का ट्रेनिंग हो रहा है, इससे बच्चे को बहुत बुलंद हौसला मिल रहा है। और सोमवार को ईद के मद्देनजर जमशेदपुर के मानगो स्थित वन विभाग के हॉल में 4 थानों के संयुक्त शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सिटी SP प्रभात कुमार, विधि व्यवस्था ADM सुबोध कुमार, हेडक्वार्टर 1 DSP KN मिश्रा, मानगो, आजाद नगर उलीडी और MGM के थाना प्रभारी सहित चारों थाने के शांति समिति के सदस्य बड़ी संख्या में मौजूद थे। सिटी SP ने अपने संबोधन में कहा, ईद में 3000 फोर्स तैनात रहेंगे, इसके अलावा बाहर से 1000 फोर्स मंगाए जा रहे हैं। सादे लिबास में जगह जगह पर फोर्स तैनात रहेंगे और कड़ी निगरानी रखेंगे। उन्होंने कहा, अफवाह पर ध्यान ना दें, व्हाट्सएप पर अफवाह फैलाने वाले तत्वों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। सिटी SP ने आपसी भाईचारे, शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण ईद मनाने की अपील आम लोगों से की। जमशेदपुर के मानगो चेपापुल स्थित स्काई टच मल्टी जिम में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। सोमवार को मानगो चेपापुल स्थित स्काई टच मल्टी जिम में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें सभी समुदायों के बड़ी तादाद में लोगों ने भाग लिया। इस मौके पर देश, राज्य एवं समाज की तरक्की के लिए दुआ मांगी गई।
वहीं मल्टी जिम के सदस्य सरफराज खान ने इफ्तार पार्टी के संबंध में जानकारी दी। इफ्तार का आयोजन किए हैं सब लड़के लोग मिलके, बहुत अच्छा लगा। हर साल की तरह इस साल भी, और हम लोग सब मिलके एक साथ इफ्तार किए, बहुत अच्छा लगा। सबके लिए दुआ किए हैं, सब भाई लोग के लिए, देश देश में जो हो रही है वो सब बंद हो जाए। चलने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सरायकेला के RIT में पति की प्रताड़ना से तंग आकर पत्नी ने की आत्महत्या, पुलिस जुटी जांच में। जमशेदपुर स्थित आई हॉस्पिटल के समीप मची अफरा तफरी, नशे की हालत में चोर ने लोगों पर फेंके पत्थर। जमशेदपुर के कोऑपरेटिव कॉलेज में छात्र संघ के द्वारा बिचौलियों से बचाव के लिए चलाया गया पोस्टर अभियान। और 12 जून को मनाया गया विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, जमशेदपुर में कई कार्यक्रम आयोजित। इस बुलेटिन में बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।